अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करने वाले CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेकंड असाइनमेंट। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपना असाइनमेंट करना है। यहाँ पर इनके रिक्वायरमेंट है कि आपने यूज़ करना है MS SQL सर्वर, ठीक है। लेकिन वैसे ही इतना ज़रूरी नहीं होता, असल में आपकी क्वेरी रन होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्वेरी का पता होना चाहिए कि किस तरह SQL क्वेरी होती है, ठीक है। किस तरह आपने टेबल क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, डाटा इंसर्ट करना है, अल्टर करना है, ठीक है, और डाटा रिट्रीव वगैरह, और ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको करने वाला हूँ। अभी फिलहाल मेरा MS SQL सर्वर में थोड़ा मसला था, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ XAMPP सर्वर, ठीक है। हो सकता है ये आप लोगों ने ऑलरेडी यूज़ भी किया होगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन ओपन होने चाहिए, ठीक है, ये स्टार्ट होने चाहिए। एक है अपाच और दूसरा है MySQL। उसके बाद फिर आपने ओपन करना है ब्राउज़र, ठीक है, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो। और आपने यहाँ पर आना है न्यू, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्वेरी पर क्लिक करना है, ठीक है, SQL क्वेरी। और यहाँ पर आपने लिखना है अपनी VUID, ठीक है। आपने यहाँ पर टेबल क्रिएट करना है अपनी ID से क्रिएट, उसके बाद आपने क्रिएट करना है डेटाबेस, आपने क्रिएट करना है, ठीक है। और जो डेटाबेस का नेम होगा ये होगा आपका VUID, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल BC 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको नीचे यहाँ पर गो का बटन मिलेगा, आपने इसको क्लिक करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक डेटाबेस क्रिएट, ठीक है। और साथ में आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लेने हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि अपनी VUID से आपने क्रिएट करना है डेटाबेस, और आपने लेना है यहाँ पर स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो या जिस जगह पर आप क्वेरी लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेरी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, चलते हैं असाइनमेंट फाइल की तरफ। यहाँ पर आपको एक ERD दिया गया है, ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो यहाँ पर है आपकी तीन डायग्राम, स्टेडियम है और एक है MathSQL और एक है ब्लॉक, ठीक है। और स्टडी में कुछ एट्रीब्यूट है, स्टडियम ID, नेम, डायमेंशन और उसके अलावा है लोकेशन। इस तरह मैथ स्केजुअल भी कुछ एट्रीब्यूट है, स्केजुअल ID, डेट, टाइम, डे और टीम, ठीक है। उसके अलावा ब्लॉक है, ब्लॉक के भी कुछ एट्रीब्यूट है, कैपेसिटी, कलर, चार्जेस और बी नेम, ठीक है। और इसके कुछ प्राइमरी की होंगे, जैसे कि यहाँ पर है स्टेडियम ID और यहाँ पर इसकी होगी स्केजुअल ID और यहाँ पर इसके ब्लॉक ID। और इसके अलावा इसके कुछ रिलेशनशिप हैं स्टेडियम के साथ और मैच स्केड्यूल का क्या रिलेशन, और उसके अलावा यहाँ पर ब्लॉक के साथ स्टेडियम का क्या रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप और इस एट्रीब्यूट के मुताबिक आपने टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है, ये तीन टेबल आपने क्रिएट करनी है। तो चलते हैं और इसकी क्वेरी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है SQL स्टेटमेंट टू क्रिएट न्यू डेटाबेस, ठीक है, हमारा ये फर्स्ट टास्क हो गया। सेकेंड टास्क हमारा है क्रिएट टेबल स्टेडियम मैथ स्केजुअल्स ब्लॉक और डेटाबेस क्रिएटेड इन टास्क वन। जो भी टेबल आपने टास्क वन में क्रिएट किया उसी में आपने ये तीन टेबल बनानी है, ठीक है, और उसके जो भी एट्रीब्यूट वगैरह हैं वो आपने सारे बनाने हैं, मैप करके बनाने हैं, ठीक है, और जिसका जिसके साथ जो रिलेशनशिप है। तो चलते हैं सेकंड की तरफ। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्वेरी लिखी है, ठीक है, ताकि आसानी हो, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए। तो फर्स्ट टेबल के लिए यहाँ पर हमारी क्वेरी है क्रिएट टेबल स्टेडियम, और इसमें होगी स्टूडेंट ID, स्टेडियम नेम, लोकेशन और डायमेंशन, ठीक है। जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारे पास इंटीजर स्टेडियम ID, ये हमारे पास होगी प्राइमरी की, और इसके अलावा थ्री एट्रीब्यूट होंगे स्टेडियम नेम, लोकेशन, डायमेंशन, ये होगा वेयर का, ठीक है, ये करेक्टर टाइप का होगा और इसका साइज आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता इतना। और नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट टेबल मैच स्केड्यूल, ठीक है, तो मैच स्केड्यूल का भी आपने टेबल बनाना है, इसकी भी प्राइमरी की होगी स्केड्यूल ID, ठीक है, और इसके अलावा है टीम वेयर केयर, इसमें होगा आपका एक एट्रीब्यूट टीम मैच ID, ठीक है, और इसके अलावा है मैच स्टार्ट टाइम डेट, ठीक है, ये होगा आपका डेट और ये होगा आपका टाइम, और इसके अलावा आपकी एक फॉरन की होगी, ठीक है, फॉरन की आपकी होगी मैच ID, ठीक है, इसका रेफरेंस होगा स्टेडियम ID, ये कहाँ से आएगा, स्टेडियम से, ठीक है, ये जो यहाँ पर हमारे पास स्टेडियम ID है यहाँ पर ये पावरन की होगी, ठीक है, इस मैच स्केड्यूल टेबल में।
और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टेबल है ब्लॉक का, आपने एक ब्लॉक का भी टेबल क्रिएट करना है। इसमें होगी आईडी और कैपेसिटी, कैपेसिटी हमारे पास होगी इंटीजर में, और इसके अलावा इसका कलर होगा ठीक है, चार्जेस और बी नेम स्टेडियम आईडी ठीक है। और ये जो यहाँ पर हमारे पास है स्टेडियम आईडी, ये हमारे पास होगी फॉरन की, कौन से टेबल का, ये हमारे पास होगा स्टेडियम का ठीक है। इस टेबल के फॉरन की यहाँ पर हमारे पास इस ब्लॉक टेबल में है, तो चलो कॉपी करते हैं इसको, कंट्रोल सी करते हैं ठीक है। ये तीनों टेबल की क्वेरी यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और चलते हैं ब्राउजर, यहाँ पर लिखते हैं अपनी क्वेरी ठीक है, और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर हमारी ये तीनों टेबल क्रिएट हो गए, आप चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हो। हो सकता है ये मैं जो डेटाबेस यूज कर रहा हूँ और आप जो यूज करेंगे इसमें इंटरफेस का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ठीक है, लेकिन क्वेरी सब की सब सेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास टास्क है कि हमने इसमें डेटा इंसर्ट करना है, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू इंसर्ट टू रिकॉर्ड एंड टेबल ठीक है। तो हमने इसमें दो रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो इंसर्ट कर लिए भी ऑलरेडी मैंने क्वेरी लिख की है ठीक है। यहाँ पर है इंसर्ट इनटू स्टेडियम, स्टेटमेंट के स्टेडियम की आईडी होगी नेम लोकेशन डायमेंशन, और इसकी वैल्यू है उसमें जो हम वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं ठीक है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो आईडी है ठीक है इसमें इंसर्ट होगा वन, और इसके अलावा स्टेडियम नेम होगा स्टेडियम ए ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो ठीक है, ये जो स्टेडियम नेम लोकेशन वगैरह है इसकी जगह पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है लोकेशन, और एक है डायमेंशन ठीक है। तो डायमेंशन में ये इंसर्ट होगा, लोकेशन में लोकेशन है इसी तरह ठीक है। ये सेकंड क्वेरी भी इसमें इंसर्ट हो जाएगी ठीक है, जो सेकंड वैल्यू है। और इस तरह मैंने वैल्यू इंसर्ट किया मैथ स्केजुअल टेबल में, और इस तरह ब्लॉक में ठीक है, जो हमारे पास ब्लॉक टेबल है। इन तीनों टेबल में हमने दो दो और डेटा इंसर्ट किया ठीक है, कंट्रोल सी, और आते हैं और यहाँ पर रन करते हैं अपनी क्वेरी, कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं करूँगा गो के बटन पर क्लिक, तो हमारा ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेकर उधर पेस्ट भी करना है ठीक है, आपने आपका जो भी एमएस वर्ड फाइल आपने क्रिएट किया होगा उसमें आपने एक एक क्वेरी का स्क्रीनशॉट उधर आपने पेस्ट करना है ठीक है, ये आपने नहीं भूलना। अब अगर इसका मैं आपको ब्राउजर में इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं ठीक है, तो हमारा ये डाटा यहाँ पर इंसर्ट भी हो गया ठीक है। और नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास है डिस्प्ले नेम कैपेसिटी ऑफ ऑल ब्लॉक्स, यहाँ पर आपने डिस्प्ले करना है नेम एंड कैपेसिटी ब्लॉक्स का ठीक है। तो इसके लिए भी क्वेरी लिखते हैं, इसकी क्वेरी भी ऑलरेडी मैंने लिखी है, ये सारी क्वेरी मैंने ऑलरेडी लिखी है, मैं आपको यहाँ पर एक एक रन करके दिखा रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेरी से ये डाटा दिखा दिया है, ब्लॉक नेम, और यहाँ पर है कैपेसिटी ठीक है। ये टेबल मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ ठीक है, तो इसमें है ब्लॉक आईडी, कैपेसिटी और बी कलर, चार्जेस, बी नेम, स्टेडियम आईडी, तो इसमें इतनी सारी एट्रीब्यूट है। लेकिन यहाँ पर क्वेरी से हमने जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने क्वेरी रन की और डेटा शुरू किया, तो आपने उसका भी स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करना है ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्ले एवरेज चार्जेस अमाउंट ऑफ ब्लॉक यूजिंग एप्रोप्रिएट फंक्शन ठीक है, तो इसकी क्वेरी भी मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ और इसको आपने करना है एग्जीक्यूट ठीक है। तो यहाँ पर हमें एवरेज चार्जेस भी शो हो गया ठीक है। इस यहाँ पर हमारे पास ये जो टेबल है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है। हमारे पास ये टेबल है ब्लॉक ठीक है, तो ब्लॉक ओपन करते हैं
और इसमें जो भी चार्जेस है, जैसे कि यहाँ पर है 5070, इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटी का या चार्जेस का जो भी आप एवरेज निकालना चाहते हो तो इस तरह आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव कॉलम स्टेडियम नेम फ्रॉम स्टेडियम। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये टेबल है, ठीक है, कौन सा टेबल, स्टेडियम टेबल, ठीक है, इससे आपने ये वाला कॉलम रिमूव करना है, स्टेडियम नेम, ठीक है। तो ये भी करते हैं कंट्रोल सी। पहले मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ कौन सा स्टेडियम। तो यहाँ पर अभी हमारे पास है स्टेडियम नेम, और अगर इस क्वेरी को मैं रन करूँ, ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये नहीं रहेगा, ये स्टेडियम नेम हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी ड्रॉप करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी जो हमने रिमूव किया वो जो एट्रीब्यूट हमने रिमूव किया यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी अल्टर वाली क्वेरी। इस तरह आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। और अगर फिर भी किसी को किसी किस्म का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर SQL सर्वर भी इंस्टॉल था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा ही इशू है, ठीक है, इंस्टॉल नहीं हो रहा। वैसे ऑलरेडी इसकी वीडियो मैंने बना भी ली है पिछली असाइनमेंट में, ठीक है, मैं वो भी आपको कमेंट में नीचे शेयर करूँगा।